कोविड-19 से उभर रही देश की अर्थव्यवस्था अब पटरी पर लौटने लगी है। ऐसे में सातवें वेतन आयोग में केंद्रीय कर्मचारियों को भी सरकार से कई उम्मीदें हैं। सरकार जल्द ही केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इजाफा कर सकती है। ऐसे में 50 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ पहुंचेगा। डीए में इजाफा होने के बाद लगभग 65 लाख पेंशनर भी लाभान्वित होंगे। बता दें कि हर 6 महीने में केंद्र सरकार बेसिक भुगतान के आधार पर संशोधन करती है। सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर ये बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। मौजूदा परिस्थिति में डीए 17% के हिसाब से दिया जाता है, मगर इनमें 4% बढ़ने के आसार हैं और आंकड़ा 21% तक बढ़ जाएगा, जिसका लाभ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा। वर्ष 2021 जून तक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को इसका लाभ मिल सकता है। कोरोना काल में केंद्र सरकार ने जून 2021 तक महंगाई भत्ता 17% तक देने का ऐलान किया था और अब जून 2021 के बाद महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के आसार हैं। इसको लेकर वित्त मंत्रालय पहले ही कह चुका है कि महंगाई को ध्यान में रखते हुए भत्ते का ऐलान किया जाएगा। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।